बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। टुडे इज थर्सडे एंड डेट इज 17 दिसंबर 2020। पेज नंबर 88-89। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे आज। व्हेन द फल्क्रम इज बिटवीन, जब फलक्रम जो है, फलक्रम का मैंने आपको बताया था कि फलक्रम क्या होता है। फलक्रम एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द मशीन जो है कोई भी मैकेनिकल वर्क या कोई भी वर्क करते हुए रोटेट करती है या रेस्ट करती है, फलक्रम कहलाता है। व्हेन द फलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, जब फलक्रम जो होगा लोड और एफर्ट के दरमियान में होगा, तो ये इट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास लीवर, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर कहलाता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द मैन ट्राइंग टू मूव अ लार्ज रॉक विद अ पोल। पिक्चर में देखें, एक आदमी है वो एक बड़े सारे रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहा है पोल के साथ। तो यहाँ पे जो रॉक है वो क्या है, लोड है, और वो पॉइंट जहाँ पे छोटा सा मतलब स्टोन पड़ा हुआ है, जहाँ पे जो लीवर है रेस्ट कर रहा है फलक्रम के इर्द गिर्द, वो क्या कहलाएगा, फलक्रम। और जो उसका दूसरा एंड होगा पोल का, जहाँ से आदमी जो है एफर्ट लगा रहा है, कुव्वत लगा रहा है, वो क्या कहलाएगा, एफर्ट। ठीक है, एक पॉइंट लोड जो वेट होगा उसे हम लोड बोलेंगे, और एक ऐसा पॉइंट जिस पे पोल पड़ा हुआ है जिसके इर्द गिर्द जो स्टोन होगा मूव कर सकेगा वो फलक्रम कहलाएगा, और जहाँ से आदमी कुव्वत लगा रहा है वो एफर्ट होगा। ये हमारे तीन पॉइंट हैं। अब जो फलक्रम है हमारा, छोटा सा स्टोन पोल के नीचे पड़ा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो है सेंटर में है, लोड भी एक साइड पे, एफर्ट भी एक साइड पे, दोनों एंड्स पे एफर्ट और लोड आ गए, और सेंटर में क्या हो गया, फलक्रम होगा। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जो फलक्रम हमारा जो होगा दोनों चीज़ों के दरमियान में होगा, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर आर ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड ए क्लॉ हैमर। सीजर का, सीजर को जो हम यूज़ करते हैं, तो ये भी ऐसे ही होता है, एफर्ट जो होती है हम एक एंड पे लगा रहे होते हैं और दूसरे एंड पे लोड हो रहा होता है, लोड होता है जिससे हम मतलब कटिंग कर रहे होते हैं, और जो फलक्रम होता है वो सेंटर में होता है। इसी तरह क्लॉ हैमर, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें सेकेंड क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर क्या होता है, व्हेन द लोड इज़ इन द मिडल, जब लोड जो होगा वो मिडल में होगा, फलक्रम इज़ एट वन एंड एंड द एफर्ट एट द अदर एंड। फलक्रम जो होगा एक एंड पे होगा और एफर्ट जो होगा वो दूसरे एंड पे होगा, इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड क्लास लीवर, तो ये सेकेंड क्लास लीवर कहलाएगा। फर्स्ट क्लास लीवर में हमने पढ़ा था कि मतलब जब फलक्रम जो होगा वो सेंटर में होगा और एफर्ट और लोड जो होंगे वो दोनों एंड्स पे होंगे, तो वो फर्स्ट क्लास लीवर कहलाएगा। लेकिन सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, अब लोड जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा, एफर्ट और फलक्रम जो होंगे वो दोनों एंड्स पे आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड क्लास लीवर। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देखी जाए, तो अ व्हील बैरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड क्लास लीवर। व्हील बैरो जो है ये सेकेंड क्लास लीवर की एग्जाम्पल है। द वेट इज़ द लोड, इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे सेकेंड क्लास लीवर है। व्हील जो है ये लोड है, मतलब सेंटर में है। द एक्सल ऑफ द व्हील इज़ द फलक्रम, जो व्हील का जो एक्सल है वो फलक्रम कहलाएगा, क्योंकि मशीन जो है वो मैकेनिकल वर्क करते हुए उसके इर्द गिर्द रोटेट करेगी। और एंड दी हैंडल्स आर दी एफर्ट, क्योंकि आदमी जो है वो हैंडल्स को पकड़ के मतलब वहीं से एफर्ट लगा रहे हैं, कुव्वत लगाते हैं, तो वो हमारे एफर्ट और फलक्रम जो है वो दोनों एंड्स पे आ गए हैं, और लोड जो है हमारा वेट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा, तो ये सेकेंड क्लास लीवर कहलाएगा। अगर हम इसके एक और एग्जाम्पल देखें, तो नट क्रैकर, ये भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है। नट क्रैकर इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर। नेक्स्ट देखें जी थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, व्हेन द एफर्ट इज़ इन द मिडल। अब पहले था सेकंड क्लास लीवर में हमने क्या पढ़ा था, लोड जो होगा वो मिडल में था और एफर्ट और फलक्रम जो थे वो दोनों एंड्स पे थे। लेकिन अब थर्ड क्लास लीवर में क्या होगी, सिचुएशन चेंज हो गई है। अब एफर्ट जो होगी वो मिडल में आ जाएगी और लोड और फलक्रम जो होंगे वो दोनों एंड्स पे आ जाएंगे। व्हेन द एफर्ट इज़ इन द मिडल एंड लोड एंड फलक्रम आर एट द टू एंड्स, इट इज़ कॉल्ड अ थर्ड क्लास लीवर।
a broom, a pair of tongs, a fishing rod, a cricket bat, or a hockey stick used to hit a ball are all examples of third class liver. ये सब क्या है, थर्ड क्लास लीवर की एग्जाम्पल्स हैं. इसमें क्या होगा, हम जो एफर्ट लगाते हैं वो सेंटर में होगी, लोड जो होगा वो एक एंड पे होगा, और फलक्रम जो होगा वो दूसरी एंड पे होगा. ब्रूम में आप देखें इसी तरह से, जहाँ से हम मतलब वो सफाई करते हैं वो लोड होता है, एफर्ट जो होगी हमारी सेंटर में लग रही होगी, और फलक्रम जो होगा वो एक एंड पे होगा. इसी तरह फिशिंग रोड की एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो उसमें किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, फलक्रम जो होता है ये एक एंड पे आ जाएगा, और लोड जो होगा हमने सेंटर से वो स्टिक को पकड़ा होता है रोड को, तो हमारी सेंटर में एफर्ट लग रही होती है, हमारी जो कुवत होती है वो सेंटर में लगेगी, एक एंड पे लगेगी, तो ये मतलब दोनों एंड्स पे आ जाएंगे, और लोड जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा. लोड जो होगा मतलब नीचे एक साइड पे होगा, और एफर्ट जो होगी वो एक साइड पे होगी. और ये सारे इस तरह से जो एग्जांपल हैं ये थर्ड क्लास लीवर की एग्जांपल हैं. ट्वीज़र भी और टॉम्स भी ये सारी क्या थर्ड क्लास की लीवर हैं. जी आज हमने पढ़ा फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर. ये बहुत इजी है. आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी. आपने इसको दोबारा रीड आउट करना है. एंड थैंक यू. अपना सब ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.